गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे आई विल स्टार्ट योर ट्रिगोनोमेट्री। तो दिस इज योर फोर्थ क्लास ऑफ योर ट्रिगोनोमेट्री। तो आज आप लोगों के लिए जो है फोर्थ क्लास ट्रिगोनोमेट्री का, जो जिसमें आप ट्रिगोनोमेट्री का एक तो पार्ट देख लिए एंगल बेसिस पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट था साइन कॉस रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो था वो देखिए। तो साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक और से, ये जो सिक्स रेशियो था इसमें हम एक ट्रिक्स बताए थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर मोहे, इसके अकॉर्डिंग हम अभी टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देख चुके थे। अब इस सेकेंड रेशियो में टेबल अकॉर्डिंग टू एंगल, मतलब एंगल हमें फाइंड करना है, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60, 90, इस टाइप से एंगल फाइंड करना। तो एंगल फाइंड करने के लिए भी हम क्या करेंगे, एक ट्रिक अप्लाई करेंगे और इसका प्रूफ भी चाहो तो आपके पास प्रूफ भी हम दे सकते हैं। तो आपके लिए पहले हम फर्स्ट में क्या करते हैं, पहले हम इसका ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद हम इसके अकॉर्डिंग जो हमें कैसे फाइंड करते हैं वो एंगल कहां से आया वो हम बताएंगे। तो आप लोग देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक और ये कॉसेक, मतलब सिक्स मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वो हम लिख दिए। अब ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री ऐसे करके वैसे अरेंज करके लिख देंगे। लिखने के बाद आप लोग काउंटिंग को आता होगा, होल नंबर भी जानते हैं आप लोग, तो होल नंबर क्या होता है आप लोगों को पता है, 0 से स्टार्ट होता है। चलिए हम यहां से 0 से स्टार्ट करें। तो 0 से स्टार्ट करें तो क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4। अब ये 0 से लेकर वहां 4 तक चला गया। अब इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 4 से। फोर से डिवाइड करने से चलिए अब क्या करेंगे, सभी में स्क्वायर होता है, आप ये कैंसिल आउट होंगे, 1 हो जाएगा 4 4, तो 1 का स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि आप क्लास 10 में चले गए तो ये सब इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये सब इजीली आप लोग सिंपलीफाई कर सकते हो। अब इसमें देखो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों रेशनल नंबर है, तो 3 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, 4 का निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहां पे देखिएगा 2 2 2 2 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 हो गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, वैसे ही 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये तो 0/4 हो गया तो वैल्यू 0 हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप लोग क्या करना है, ये ऐसे करके लिख दीजिए सेम cos थीटा, cos थीटा में जो ये था उसका जस्ट अपोजिट लिखेंगे, जैसे मेरे पास ये 1 था तो 1 यहां पे आ जाएगा, फिर √3/2 यहां पे था तो √3/2 यहां आ जाएगा, 1/2 यहां पे रहेगा, ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा, जस्ट उसके अपोजिट में चला जाएगा। जो cos साइन 90 डिग्री का होगा वो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होगा, जो कॉस 30 डिग्री का होगा वो सॉरी कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, तो इस टाइप से वैल्यू करेगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जैसे इधर 0 से स्टार्ट किए थे तो 0 1 2 3 4, अब 4 से सभी में डिवाइड कर दिए थे, 4 से डिवाइड कर दिए। अब इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट सभी में फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट ये ऐसे करके 0 का तो 0 होगा, इसका 1/2 हो जाएगा, देखिए इसका 0 था तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1/2 तो यहाँ पे 1/2, ये 1/2 इसका 2 2 2 2 4, ये 1/2। अब देखिए यहाँ पे √3 का 3 हो जाएगा और 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसका ये तो ये, अब इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, ये सब ट्रिक था आप लोगों को निकालने के लिए, आप लोग कैसे निकालेगा, तो ये मेरा हो गया साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो आप लोग ये 0 लिखोगे, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 2 लिखोगे, फिर इसका वैल्यू ये, ऐसे करके साइन में इधर की ओर इंक्रीज करेगा और कॉस में इधर इंक्रीज करेगा, बोले तो
राइट से लेफ्ट और साइन में लेफ्ट से राइट इंक्रीज करेंगे। अब मेरे पास पता है आप लोगों को टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो टेन हमें जीरो डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो साइन जीरो डिग्री बाय कॉस जीरो डिग्री, तो साइन जीरो डिग्री आपका क्या है जीरो, तो जीरो कॉस जीरो का वैल्यू कितना है वन, तो वन, तो ये जीरो बाय वन क्या हो जीरो है, ए मेरा जीरो होगा। सेम इसमें आप इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा वन बाय रूट थ्री आ जाएगा। फिर टेन इसका वैल्यू टेन फोर्टी फाइव का डिवाइड करेंगे तो इसका वन आ जाएगा। फिर इसका करोगे तो इसमें आपका रूट थ्री आ जाएगा। और इसमें देखिएगा साइन एक शेप 90 डिग्री का हम करेंगे, 90 डिग्री एक हो जाएगा कॉस सॉरी साइन 90 डिग्री बाय कॉस 90 डिग्री। तो आप लोगों को पता है कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू मेरे पास क्या वन है और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना जीरो। तो कुछ भी नंबर हो और उसे अगर जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड होगा, समझ गए ना, तो यहां पे लिखेंगे नॉट डिफाइंड, उसका सिंबल जो देंगे ऐसे करके भी दे सकते हैं इनफाइनाइट, तो यहां पे क्या होता है नॉट डिफाइंड डिफाइंड नहीं होगा। तो ये मेरा ऐसे हो गया। अब आप लोग को पता है कि यहां पे कॉट टेन जो होता है कॉट का अपोजिट होता है, तो कॉट का अपोजिट होगा तो ये वन बाय क्या हो जाएगा जीरो, तो ये मेरा क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड पिछले क्लास में कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक होता है, ये वन का तो वन ही होगा, रूट थ्री बाई टू है तो टू बाई क्या होगा रूट थ्री हो जाएगा, फिर वो वन बाई रूट टू है तो क्या हो जाएगा रूट टू, वन बाई टू है तो ये क्या हो जाएगा टू, और जीरो है तो वन बाई जीरो हो जाएगा, तो क्या होगा नॉट डिफाइंड। अब देखिए कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा चले जाएंगे तो कॉसेक थीटा जो है ये मेरा साइन का अपोजिट होता है, तो ये जीरो डिग्री है तो वन बाई जीरो जो होगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ये वन बाई टू है तो टू हो जाएगा, वन बाई रूट टू तो ये रूट टू हो जाएगा, टू बाई रूट थ्री हो जाएगा ये, और ये मेरा वन हो जाएगा। इस टाइप से मेरा ये टेबल था टेबल कंप्लीट हो गया। अब टेबल कंप्लीट हो गया, इसके साथ आप लोगों को प्रूफ चाहिए, तो जैसे आप लोग जीरो डिग्री थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव सिक्सटी और नाइन डिग्री ऐसे करके आप एक राइट एंगल ले सकते हो, और राइट एंगल लेने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो ये 90 डिग्री हो गया ट्रिक्स के अकॉर्डिंग तो आ गया मेरा ये वैल्यू, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू कैसे आता है वो आप लोग को जानना है। तो देखिए एक्चुअल में वैल्यू जो आ रहा है जैसे मेरे पास ये राइट एंगल सब राइट एंगल ट्रायंगल का इक्वल होगा, जो वैल्यू आ रहा है वो सब राइट एंगल ट्रायंगल का है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये 90 डिग्री और ये 45 डिग्री। सो आप लोगों को पता होगा कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी किसी भी ट्रायंगल हो उसमें थ्री एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो जिसमें से एक एंगल 90 डिग्री दे रहा है दूसरा एंगल 45 डिग्री, तो थर्ड एंगल पूछ रहे हैं तो थर्ड एंगल में क्या होगा 45 डिग्री। आप लोगों को पता है कि ऐसे सिंगल ट्रायंगल में अगर टू एंगल्स इक्वल हो तो टू साइड्स इक्वल होते हैं, तो सेम कंडीशन इसमें भी देखिए टू एंगल्स इक्वल है तो मेरा ये टू साइड्स जो होगा इक्वल हो जाएगा, तो ये मेरे टू साइड्स इक्वल हो जाएंगे, ये साइड इक्वल हो गया। अगर कंसीडर करते हैं इसे x, ये x, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अब ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम क्या करते हैं आप लोगों को पता है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पिछली क्लास में बता चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये मेरे पास क्या हो गया टू एक्स स्क्वायर, अब एच स्क्वायर इज इक्वल टू ना एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टू एक्स स्क्वायर ये रूट टू एक्स हो गया, तो ये जो वैल्यू हो गया मेरा रूट टू एक्स हो गया। अब यहाँ से आप लोगों को साइन 45 टेन 45 कॉस कुछ भी पूछे, जैसे मेरे पास ये साइन 45 डिग्री पूछे ये एंगल ये दोनों को सेम है किसी को भी ले सकते हैं, आप लोग पता है 45 डिग्री ये एंगल ले रहे हैं इसके जस्ट अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस, तो इसमें जो परपेंडिकुलर बाय क्या होता है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या होता है बीसी और हाइपोटेनस मेरे पास क्या होगा इस एंगल की एसी और ये क्या हो जाएगा, तो
वैल्यू एक्स है और एसी की वैल्यू रूट टू एक्स, ये कैंसिल हो, क्या बच गया मेरे पास 1/√2। तो ये मेरा साइन 45 का वैल्यू आ गया 1/√2। आ देखिए साइन 45 डिग्री, 45 का वैल्यू 1/√2 है। वैसे ही आप cos 45 का वैल्यू ला सकते हैं, क्योंकि cos 45 में क्या होगा, cos 45 में b/h होता है, h को सेम ही रहेगा, b के जगह पे a भी आ जाएगा जिसमें हम x वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इससे भी क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा 10/45 का मैंने क्या हो गया। तो इसी वाले ट्रिगल से प्रूफ कर सकते हैं, अगर आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री प्रूफ करना है, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, पहले आप लोग को पता है आइसोसेलस ट्रिगल, सॉरी इक्विलैटरल ट्रिगल किसे कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रिगल में 3 साइड्स इक्वल होते हैं और 3 एंगल्स भी इक्वल होते हैं, 3 एंगल्स क्या होगा 60 डिग्री का। तो यहां से ऐसे कर देंगे और ये हम इसे बाइसेक करके और ये कर देंगे एक परपेंडिकुलर, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये मेरा 60 डिग्री हो जाएगा और ये मेरा 90 डिग्री होगा। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब ये जो अगर हम ले जाए ये ए ए ले ले जाए और ये 2a हो जाएगा और ये 2a होगा, क्योंकि a + a 2a हो जाएगा, तीनों साइड इक्वल होगा। आप लोग यहाँ से 60 डिग्री करके निकाल सकते हो, फिर 30 डिग्री करके इसे फाइन कर सकते हो सेम कंडीशन से। तो आप लोग का जो प्रूफ करना है तो इसके बेसिस पे करोगे और 90 डिग्री तो ऑलरेडी गिवन है, आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अगर प्रूफ चाहते हो तो इस तरीके से प्रूफ करके किसी को भी बता सकते हो, लेकिन अगर आप लोग को ये सब रिमेम्बर रहता है तो डायरेक्ट जो हम बताए वो प्रिंट देखना और आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसके आगे हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देते हैं, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। स्टार्ट हम अभी टेबल देखे थे, टेबल में आप टोटल एंगल फाइंड किए थे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 एंड 90 डिग्री, उसी के हेल्प से हम यहाँ पे अब क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जैसे मेरे पास साइन 60 डिग्री इंटू इस डॉट का मतलब एक्सल का मतलब मल्टीप्लाई होगा, कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब आप लोगों को पता है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू अभी टेबल में देखे थे √3/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, ये माइनस का माइनस हो गया, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और फिर इनटू और फिर साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो गया। अब आप लोगों को पता है √3 √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 1 × 1 = 1 हो जाएगा और 2 × 2 = 4 हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्रीन देखिए, यहाँ से वैल्यू आ गया 1/2 आ गया और ये मेरा आंसर हो गया। तो इस टाइप से हम आंसर फाइंड कर लिया। अब इसी टाइप से हमें ये इवेलुएट ऑफ द फॉलोइंग ये सब को भी क्या करना है, सॉल्व करना है। साइन cos 60 डिग्री है इनटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 इनटू साइन 30, फिर ये सेकंड वाला है cos 45 डिग्री इनटू साइन cos 30 डिग्री प्लस साइन 45 इनटू साइन 30 डिग्री, ये है मेरा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये सब का वैल्यू आप सिंपलीफाई करोगे, 4 cos² 30° प्लस 1 sin² 30° माइनस 2 cos² 45° माइनस साइन स्क्वायर 0°। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर आप लोग के पास साइन स्क्वायर 45° है तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, आप लोग को हम पिछले क्लास में बता चुके थे कि इसका मतलब होगा साइन 45° का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर ले जाओगे आप इसका स्क्वायर नहीं लिखोगे, जब भी लिखोगे तो यही होगा स्क्वायर। तो आप लोग को पता है कि साइन 45 का वैल्यू कितना है 1/√2 और इसका होल स्क्वायर क्या है, 1/√2 का होल स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 होगा। तो इस टाइप से हम करेंगे और इस टाइप से इसमें वैल्यू फिट करके इसका सोल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये क्या है, 100 डाइट दिया हुआ है, तो आप लोग को क्वेश्चन में क्या करना है, LHS और RHS से इसका वैल्यू सिंप्लीफाई करके प्रूफ करना है। तो आप लोग कर लोगे, इसमें क्या है वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है तो दोनों साइड वैल्यू पुट करके और सिंप्लीफाई करके LHS और RHS इक्वल हो जाएगा तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। इसी टाइप से आप लोगों के पास और क्वेश्चन NCERT का जितना भी क्वेश्चन होगा, जो जो बेसिस पे बता रहे हैं NCERT का भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें सॉल्व हो जाएगा। आप लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का NCERT बुक होगा तो ठीक है, नहीं तो आप लोग खुद क्या कर लीजिएगा, फोन से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद उससे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएगा, क्योंकि NCERT में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग NCERT से क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और आप लोग कमेंट लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके साथ जब कमेंट करते हैं तो उसमें एवरेज स्टूडेंट आप लोगों को
पीएस बोले तो प्रेजेंट सर लिखना है, क्योंकि इसके वजह से पीएस लिखोगे कमेंट में पीएस करके लिख के भेजोगे तो इससे हमें पता चलेगा कि आप लोग देख रहे हैं, इसका प्रॉफिट ले रहे हैं, नहीं तो ऐसे पता चलेगा कि आपके पेरेंट्स लोग इसका प्रॉफिट ले रहे हैं, समझ गए ना। तो आप लोगों के पेरेंट्स लोग के लिए नहीं है ये सब, आप लोगों के लिए, आपके लाइफ के लिए, तो अपना लाइफ बर्बाद मत कीजिए और इसका इंटरेस्ट लेते रहिए, मतलब ये जो इतना खर्च हो रहा है इसका प्रॉफिट आप लोग लेते रहिए, नहीं तो पता चलेगा कि आप लोग का वीडियो डलाते जा रहा है, आप लोग मस्ती से यूट्यूब में कुछ और चीज इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए आप लोग कमेंट और शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमें पता चले कि आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो का प्रॉफिट ले रहे हैं। सो थैंक्स एवरीवन।